नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित शहर के शमशान घाट सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण हो चुके कार्य को देखने के लिए रविवार को वार्ड नंबर 8 की वार्ड पार्षद सवाना परवीन, समाजसेवी श्याम बैकुंठ धाम शमशान घाट पहुँचे। वहाँ का कार्य देखकर उन्होंने कार्य के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य ढंग से किया गया है। रंग रोगन, पानी व लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई आदि सभी कुछ देखने कुछ लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यहाँ के कार्य को लेकर उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी, उपाध्यक्ष सहित सभी वार्ड पार्षद को धन्यवाद दिया। साथ ही वार्ड पार्षद ने जानकारी दी कि शहर के सभी कब्रिस्तान जैसे भेड़वा, लालगढ़, खलासी मोहल्ला, लखना, पनाहकोला आदि में भी सौंदर्यीकरण का कार्य नगर परिषद बोर्ड द्वारा पारित है, जिसमें बाउंड्री वॉल, सड़क, पानी के नल के साथ वजू करने का स्थान, लाइट, साफ सफाई आदि शामिल है। बहुत जल्द यह कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। मैं वार्ड पार्षद सवाना परवीन इस समय बैकुंठ धाम शमशान घाट में के परिसर में बैठी हूँ। मैं यहाँ के सौंदर्यीकरण का कार्य देखने के लिए आई थी, जो बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का सौंदर्यीकरण का कार्य देखकर, जो कि नगर परिषद द्वारा, बोर्ड द्वारा पारित हम लोगों ने मिलके एक्सक्यूटिव साहब, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षद द्वारा पारित किया गया था। तो उसका सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ बहुत अच्छे से रंग रोहन का काम, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ताकि लोग जो अपने लोगों को यहाँ दाह संस्कार के लिए आते हैं उनको तकलीफ ना हो, उनको परेशानी ना हो, हर तरह की सुविधा उनको मिले। पानी की सुविधा, बैठने उठने की सुविधा, आराम करने की सुविधा, लाइट हो, ताकि रात में भी अगर लोग आए तो उनको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत तसल्ली हुई कि ये जनहित का काम, ये बहुत होना बहुत जरूरी था।